वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर कराने जा रही हूँ मेरे घर की, मेरा घर यानी मेरा मायका। तो चलिए, ये है मेन डोर जो कि ओपन करे हैं मेरी मामा ने। क्यूट से प्यारी सी मामा, सी द एक्सप्रेशंस। सबसे पहले एंट्री पर ही जो सबसे सामने चीज़ दिखती है वो है हमारा प्यारा सा किचन। सो ये है हमारा किचन। ये घर हमने अभी अभी शिफ्ट किया है और इस घर में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, पता भी नहीं चलेगा है पर हैं। किचन में है ये दो अलमीरा जो पता नहीं चलता कि अलमीरा हैं बट हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और रूम्स देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पहचान भी नहीं पाएंगे पर वो हैं। तो ये तो था हमारा किचन। बर्तन गंदे पड़े थे क्योंकि दीदी अभी तक नहीं आई थी। ये वही डोर है जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, ये अंदर की तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये है हमारी लोबी। लोबी के पास एक रूम है, ये जो आपको ग्रे वॉल दिख रही है ये असल में वॉल नहीं है, ये अलमीरा है। दूर से आपको दिखेगा ये कोई वॉल है बट ये वॉल नहीं है, ये एक अलमीरा है। यहाँ में जो भी एक्स्ट्रा सामान था हमने वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। सो ये है हमारी फर्स्ट अलमीरा। इसी के साइड में जो ये रूम है ये है हमारा गेस्ट रूम। चलो आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम। लाइट्स ऑफ हैं तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ की लाइट्स ऑन। लाइट्स ऑन हो गई है। सो ये है हमारा गेस्ट रूम, सिंपल सोबर येट एलिगेंट। ये यहाँ पर हैं अच्छी सुंदर वाली अलमीरा, प्यारा सा लुक है। ये हमारा छोटा सा गेस्ट रूम पर बहुत प्यारा सा। इसके बाद हम निकलेंगे अपने गेस्ट रूम से बाहर और चलिए शुरुआत करती हूँ रूम्स दिखाने की। अब ये लोबी है, यहाँ पर आपको टीवी दिख रहा है, टीवी के साइड में है एक रूम। जी हाँ, यहाँ पर एक रूम। ये आपको जो वॉल लग रही है ये वॉल नहीं है, ये है यहाँ पर रूम। ये देखिए, तो ये है हमारा फर्स्ट रूम, राइट, छोटा सा प्यारा सा। इसमें भी एक बड़ी सुंदर सी अलमीरा है। तो चलिए ये रूम हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रूम। जब आप थर्ड और फोर्थ रूम देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, इतना प्यारा सा सब कुछ है। ये मम्मा अपने रूम की तरफ जा रही थी। देखो ये है यहाँ पर वॉशरूम जो कि पता भी नहीं चल रहा है वॉशरूम है, इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि पापा भी नहा रहे हैं। ये है हमारा दूसरा रूम, ये बिग वाला रूम है जो यूज़ में है, प्यारा सा अच्छे से कलर के साथ रूम। इस रूम में दो मिरर हैं, दोनों ही मिरर हिडन है। फर्स्ट मिरर है ये जो आपको लग रहा है वॉल है, ये वॉल नहीं है, यहाँ से ओपन होता है और ये मिरर है। अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने रखा है स्पीकर। बट टीवी के दूसरी साइड देखिए, ये जो वॉल है ये थोड़ा सा खुला हुआ है क्योंकि खोला था मैंने, अगर इसको बंद कर देंगे आपको लगेगा ये वॉल है बट ये वॉल नहीं है, ये है मिरर। कहते हैं ना अगर बेडरूम में मिरर हो तो वो कवर होना चाहिए, तो यहाँ ये इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए बनाया गया है। मिरर भी है, जब आपको यूज़ करना है ओपन करो नहीं तो बंद कर दो। तो ये हो जाता है हमारा मिरर। अब चलो दिखा देती हूँ आपको वॉशरूम। ये है हमारा वॉशरूम, इस रूम वाला। हर रूम में अलग वॉशरूम है, ठीक है, प्यारा सा एलिगेंट होटल वाली फीलिंग देता है, अच्छा सा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में भी बड़ी प्यारी सी दो क्यूट सी अलमीरा हैं जिसमें आप कितना भी सामान अपना रख सकते हो। तो यहाँ पर हैं ये अलमीरा, ये दूसरी वाली अलमीरा और ये आ गई मेरी क्यूटी पाई। चलिए अब आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। यहाँ से जाकर अभी आ जाता है हमारा दूसरा रूम। यहाँ पर जो हिडन है वो है वॉशरूम। यहाँ पता भी नहीं चलेगा ये वॉशरूम है पर ये वॉशरूम है। कुछ इस तरीके का है ये सुंदर सा प्यारा सा रूम। यहाँ पर मम्मी बिजी हैं किसी से बात करने में। और जो मैं आपको बता रही थी कि इस रूम में एक बहुत प्यारी सी हिडन चीज़ है वो है ये। ये आपको वॉल दिख रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
पर यहाँ पर भी है मिरर, ये मिरर है। आराम से बेड पे बैठो, आपको तैयार होना, आराम से तैयार हो जाओ। ऊपर जस्ट इसी मिरर के ऊपर एसी लगी हुई है, तो गर्मी की भी टेंशन नहीं है। आराम से बैठो, एसी चलाओ, आराम से मेकअप करो और बस मज़ा ही मज़ा। इधर हमारी आ जाती है बालकनी। चलो बालकनी भी आपको दिखा देती हूँ। बालकनी भी बड़ी प्यारी सी लंबी सी है। ये सारे पौधे जिसको मम्मी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है, खुद ही सब कुछ मेंटेन करती है। सो ये अच्छे स्पेस वाली यहाँ पर है एक बालकनी। अब बालकनी की साइड से मैं आपको दिखाती हूँ घर का व्यू फिर से। जैसे हम बालकनी से इस तरफ आ रहे होते हैं तो ये है पूरी हमारी लोबी, वो है मेन एंट्रेंस। अब हम जो जा रहे हैं बिल्कुल सीधे, वो एक एक्स्ट्रा रूम हो जाता है, एक्स्ट्रा रूम इन द सेंस अभी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर बस हम उसको कपड़े वपड़े सुखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो आपको ये रूम भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये रूम छोटा सा रूम है, प्यारा रूम है। यहाँ पर भी एक हिडन मिरर है, बिल्कुल वॉल जैसा दिखता है, समझ नहीं आता, वो जो साइड में ब्राउन कलर का दिख रहा है। और ये है यहाँ इसका वॉशरूम। इसका वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है क्योंकि रूम छोटा है, तो वॉशरूम भी यहाँ पर है हमारा, थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा वॉशरूम। सो ये तो हो गए हमारे रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉशिंग एरिया। यहाँ इधर जाके एक अच्छा सा स्पेस वाला हमारे पास आ जाता है वॉशिंग एरिया। लॉक अटक गया था, खुल ही नहीं रहा था, तो ये है हमारा वॉशिंग एरिया। काफ़ी स्पेसियस है, वॉशिंग का काम तो यहाँ होता ही होता है। जो भी एक्स्ट्रा सामान और कबर्ड के कार्डबोर्ड्स पड़े हैं वो सब हमने यहाँ पर रखे हैं। ये वॉशिंग एरिया पूरा ओपन है, ऊपर से तीनों फ्लोर का दिखता है सेम, ऐसे ग्रिल लगा हुआ है और ऊपर से पूरा ओपन है। अगर बारिश आती है तो झमझम झमझम बारिश आ जाती है हमारे वॉशिंग एरिया में। सो चलो वॉशिंग एरिया आपने देख लिया, कपड़े अभी पड़े हैं जो नहीं धुले हैं, मशीन बस हम डालने ही वाले हैं अब इनको। अब इधर से एक लुक आपको दिखा देती हूँ घर का। सी अब इधर से देखिए इस लॉबी को, साइड में रूम भी चला गया, आपको पता भी नहीं चला होगा। सो ये हो जाते हैं हमारे रूम, सारा रूम, सारा घर। आई होप आपको घर अच्छा लगा होगा। अब मैं देख लूँ जरा मेरी ये गुंडा बच्चा कर क्या रहा है। चलो वॉश योर हैंड, वॉश 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 वॉश। ये कराई आज मैंने आपको अपने घर की सैर, बताना ना भूले कैसा लगा मेरा प्यारा सा घर, मेरा प्यारा सा माइका। Now wipe your hands and come out. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Yeah, it's done. इतना बड़ा। Now come out.